मैं होस्टली बिहार पाकिस्तान यहाँ पर गाइज थैंक यू सो मच माय रिएक्शन वीडियोस पे इतना क्रेजी रिस्पांस देने के लिए अभी आ, आप लोगों को पता है कि रमज़ान शुरू हो गया है सो आई एम मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान सो मैं आप जो मुझे पहले से देख रहे हैं हम इंडियन हिप हॉप सॉन्ग्स पे रिएक्शन कर रहे हैं पंजाबी सॉन्ग्स पे रिएक्शन कर रहे हैं ख़तरनाक रिस्पॉन्स मिले आप सबकी तरफ से गाइज़ बट uh, जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ है हम म्यूज़िक वगैरह नहीं सुनने वाले म्यूजिक बिल्कुल भी हम लाइक like, नहीं सुनेंगे रिएक्शन नहीं करेंगे म्यूज़िक पे बट गाइज मैंने लाइव भी अभी मैं आया था अपने इसी चैनल पे मैं फर्स्ट टाइम चाह रहा था कि मैं टेन के सब्सक्राइबर्स के बाद लाइव आऊँ बट मैंने आप लोगों से पूछना था कि हम किस कंटेंट पे रिएक्शन डालें म्यूजिक uh, के अलावा सो so वो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बता देना बाकी अभी मैं रिएक्शन करने लगा हूँ रैप बोर्ड की वीडियो आई है द मोस्ट अंडर एम सी स्टैन ट्रैक लेट्स देखते हैं कि कौन सा ऐसा ट्रैक है जो हमने भी अभी तक नहीं सुना क्योंकि मेरे जो एम सी के फेवरेट ट्रैक जो मैंने रिपीट पे सुने ना वो ब्रो इज द जोक है और कहाँ पर है कहाँ पर है भाई ये दो ट्रैक तो मैंने खतरनाक रिपीट पे सुने हैं सो so, अभी देखते हैं कौन सा ट्रैक अंडर है और एम सी स्टैन का चैनल भी हैक हो चुका है, है यूट्यूब का सो so, वो भी काफ़ी ज्यादा लाइक इंस्टाग्राम पर भी एम सी ने शेयर किया था तो बट मुझे इतना है कि यार चैनल जो है ना वो वापस आ जाएगा क्योंकि इतने बड़े आर्टिस्ट का चैनल जो है ना वो इतनी आसानी से हैक नहीं हो सकता लाइक इतनी मतलब तो सारा कुछ ज़ाया नहीं हो सकता सो so, उम्मीद तो काफी ज्यादा है कि वापस आ जाएगा चैनल बट लेट्स ही देखते हैं अभी ये है देखते हैं कि रेबोर्ट ने क्या डाला है और आप लोग मुझे म्यूजिक से हट के किसी भी इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट है किसी भी ऐसे एशियन आर्टिस्ट के हवाले से जिनपे हम रिएक्शन करते हैं उनकी लाइफ स्टोरी से रिलेटेड या कोई भी ऐसी चीज से रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पे है तो वो मुझे आपने कमेंट में रिकमेंड करनी है तो हम उस पर रिएक्शन करेंगे जो मैंने नहीं देखी हुई चीजें सो तो वो आप लोगों ने मुझे कमेंट में जरूर बताना म्यूजिक से हट के सारा कुछ जो भी होगा हम रिएक्शन करेंगे इस चैनल पर अभी पूरे तीस दिन कॉन्टेंट रुकने नहीं वाला है इस चैनल पर बैक टू बैक कॉन्टेंट आएगा रिएक्शन डालेंगे

थोड़ा फील होता हो रहा होता है बंदे को और फैंस क्या फील कर रहे होते होंगे ये चीज क्योंकि मोस्टली हम लोग यूट्यूब कम्युनिटी जो है वो मोस्टली यूट्यूब पे ही गाने सुनती आर्टिस्ट के। सो काफी ये नुकसान वाली बात भी है और काफी ज्यादा दिल दुखाने वाली बात भी है सो होप सो वापिस आ जाए का भी चैनल, रिकवर हो

इस चैनल, चैनल पे पे बहुत कम, बहुत कम कम गानों रिएक्शन किया अभी तक एमसी क्योंकि जब से मैंने रिएक्शन शुरू किए थे एमसी का कोई गाना नहीं आ रहा था बिग बॉस के बाद अभी एल्बम रिलीज होना शुरू हो गई एमसी स्टैंड की नम क्या खतरनाक गाना है भाई मैंने बहुत सुनाया अभी स्टूडियो में ना जैसे ही रिलीज हुआ रिएक्शन भी किया आप लोगों ने जाकर जरूर देखना बहुत प्यारा लगा मुझे गाना भाई यह ट्रैक बता दो कौन सा है इस ट्रैक का नाम है दिल पे मतलब जो हमें MC के साइड से रिलीज होने के पहले एज सिंगल देखने को मिला था गोल्डन okay. डेज था जो एमसी स्टैंड के फैंस लाइक जो पहले से फॉलो करते हुए ना उन्हें पता होगा कि इस टाइम पे एमसी स्टैंड क्या क्रेजी ट्रैक ड्रॉप किया करते थे okay. और उसमें से एक ट्रैक ये भी है सो एमसी स्टैंड सिर्फ अपने नहीं जाने जाते हैं

वोकल सैंपल यूज किए हैं या फिर साउंड सैंपल यूज किए हैं और exactly ये जो साउंड सैंपल या फिर और यूनिक मेलेडी सैंपल सुनने को मिले हैं अगर हम बात करें इस ट्रैक की ट्रैक के स्टार्टिंग में हमें मल्टीपल वोकल सैंपल सुनने को मिलते हैं जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है लाइक like, बिल्कुल बिगनिंग में ऐसा लगता है कोई बंदा चिल्ला रहा है ठीक है उसके चिल्लाने के वोकल को सैंपल किया गया है ये मस्जिद में जो आजान होता है ना सुबह में उसका साउंड भी हो सकता है पर यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत ही हाई वो नहीं है वो नहीं है वो नहीं है वो तो मुझे पता लगना था वो नहीं है साउंड कुछ हो रही है भाई और बोता नहीं मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने ये गाना सुना हुआ है दिल पे मतलब बट शायद मैंने प्रॉपर वो मतलब वाइब नहीं की हुई इस टैग को रिपीट पे शायद ना सुना हो शायद विजिट किया हो एक दो दफा नहीं सुना ज़रूर है ठीक साथ साथ तो है, है, है? तुम तो ज्यादातर okay. देखो कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो वोकल सैंपल एक ही यूज करते है उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर कुछ और प्रसन्न यूज करते है बट एमसी स्टैंड ने यहाँ पे मल्टीपल लेयर यूज किया है वोकल सैंपल का ठीक है

सीडी स्क्रैच करता है ठीक है तो वो सीडी स्क्रैचिंग वाला इफेक्ट जो है ना या फिर रिवर्स इफेक्ट अगर हम बुला सके उसको एफएल स्टूडियो में ये होता है जो एफएल स्टूडियो बाकी एडीडब्ल्यू में भी होता होगा बट मैंने एफएल स्टूडियो में कर रखा है मतलब मुझे आईडिया है तो एफएल हाँ। स्टूडियो तो में ये तुम कर सकते हो वोकल के साथ तो वो डीजे वाला जो स्क्रैचिंग इफेक्ट है वो वोकल में यूज करके अपने वोकल को चॉप किया हुआ है ये बात तो खतरनाक है एमसीएस सैंपल यहां पे काम कर रहा है स्टार्टिंग में एज एन इंट्रो

और उस टाइम पे प्रोडक्शन चेक कर रहे हो बंदे की किस किस लेवल पे बंदा खेल रहा था भाई यही आर्टिस्ट की चीज होती है अगर आपके पास कला है ना आपके अंदर तो जब आप ब्लो करते हो ना तो वो आपके अंदर वो चीजें आपके अंदर वो सलाहियत होती है या आपने उस चीज को वो टाइम दिया होता है जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा पॉपुलर होते हो भाई सो so, ऐवे कोई मुंह उठा के पॉपुलर नहीं हो जाता अगर कोई हो भी जाता है ना इस तरह तो वो कुछ ज्यादा देर तक रहता नहीं है भाई सो so, ये टैलेंट है ये मेहनत है भाई खतरनाक लग रहा है सुनने में और साथ में स्टैंड ने अपने कुछ एडलिव भी ऐड कर रखे हैं, लाइक एक हमें बार सुनने को मिल रहा है उसके okay. बाद एक एडलिवस आ रहा है जो अगेन भाई सुनने में बहुत सही साउंड कर रहा है और इसके बाद जैसे ट्रक आगे बढ़ता है धीरे धीरे एमसी स्टैंड की जो फ्लो है ना वो यहां से स्टार्ट होती है और राइज करती जाती है राइज करती okay. जाती है और एक टाइम ऐसा आता है जब तुम एमसी स्टैंड के फ्लो को एंजॉय करने लग जाओगे लाइक स्टार्टिंग में तुम्हें शायद ऐसा लग सकता है कि भाई ये क्या टूटा फूटा सा फ्लो है बट अगर तुम थोड़ा सा टाइम दो ट्रेक में तुम्हें फिर फ्लो सुनने में या फिर फ्लो तुम्हें बहुत सही लगने लग जाएगा

एमसी स्टैन वाली वाइब थी लेरी के ले लेरी के लिए वो नहीं नजर आ रही प्रोडक्शन भाई खतरनाक है शुरू में भी अभी भी प्रोडक्शन कभी भी एम सी स्टैन का मुझे नहीं ऐसा लगा कि प्रोडक्शन में एम सी स्टैन ने कहीं कमी छोड़ी हो हाँ लेरी के लिए अब एम सी स्टैन के वो लाइक जैसे जस, like, कहाँ पर है कहाँ पर है इस तरह <falsch थाँगा> इतनी खूबसूरत स्टोरी टेलिंग की गई भाई

भाई एड्स आ रही है यार क्या करूं? ओके okay, एड्स आ रही है भाई क्या कॉल <ण्णाग>

अगर आप लोग मेरे रिएक्शन देख रहे हो अगर देखने वाले हो शुरू से देख रहे हो मेरे रिएक्शन मैंने यही सेम बात की थी कि भाई एम सी स्टैंड हमेशा लास्ट पे यार चलो ठीक है अब मैं अपनी तारीफ इधर नहीं कर रहा बट मैं ये बताऊंगा कि मुझे कई लोग कहते हैं कि भाई तू दूसरे की वीडियो देख के आके ये बात कर देता है भाई मैंने इतना सुना है ना म्यूजिक और मैं इन चीज़ों को समझता हूँ इन आर्टिस्ट आर्टिस्ट को मैंने इतना सुना है कि मैं मैं समझता हूँ ये चीज़ को इसलिए मैं बात करता हूँ सो कभी भी मैं अगर ये बात करूँ तो ये ना समझा करो कि मैं किसी को देख के आऊँ या किसी की चीज़ ये बात सुनकर आया हूँ और मैं तब ये चीज़ें बोल मैं तो मोस्टली मोस्टली क्या मेरे जितने भी रिएक्शन है कभी मैंने गाना सुन के रिएक्शन नहीं किया जो जब गाना रिलीज होता है मैं गाना सुने बगैर सबसे पहले रिएक्शन करता हूँ ताकि मेरा जो असल रिएक्शन है ना वो बाहर आए गाना सुन के सो so, भाई ऐसा कुछ भी नहीं और मुझे पता है कि मैं मैंने कितना कुछ किया ट्राई किया यूट्यूब पे करने के लिए म्यूज़िक तो मैं पहले से कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से बट

ने लास्ट में अपना सिर्फ वोकल यूज किया है वोकल का पिच बिल्कुल ही डाउन कर है और बिल्कुल अजीब सा साउंड कर रहा है मतलब का नाम एलियन रखा गया तो भाई वैसा ही कुछ साउंड कर रहा है और फिर लास्ट में ट्रैक जो है वो एंड हो जाता है बारे में भाई क्या म्यूजिक प्रोडक्शन है लाइक मैं, रापरूसर को, को, को भी मैंने नहीं देखा है, करते है, कभी, कभी वो फेल हो जाता है एक्सपेरिमेंट जैसे अभी हुआ था रिसेंटली एक ट्रैक में बट ज्यादातर केसेस में लोगों को वो पसंद आता है ठीक है आप लोग कह रहे हो प्रोडक्शन नहीं फेल हुआ

ए बी बी ऐसे ही राइम करते हो अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे ट्रैक भी है इंटरनल राइम भी कर रखा है पर ज्यादातर ट्रैक में नहीं होता है वैसा एमसी स्टैन अपने

get for दिस वाज इट दिस वाज वीडियो चंपकली वाज आई एम सब्सक्राइब टू द और का दिखाओ सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हो डिस्कॉर्ड जॉइन कर सकते हो एंड थैंक यू थैंक्स अगेन अगर तुम्हें और भी ऐसे वीडियोस चाहिए पुराने आर्टिस्ट के पुराने आर्टिस्ट बोल रहा हूं आर्टिस्ट इतनी नॉलेज इंडियन हिप हॉप सीन में कोई कम ही लोग हैं जो इतने इतना इतनी सही वीडियोस बना रहे हैं रिव्यूज़ इतने अच्छे रिव्यूज़ भाई रैप बोर्ड के बहुत खतरनाक रिव्यूज़ होते हैं मैं मोस्टली रैप बोर्ड के ही रिव्यूज़ देखता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं और uh, मतलब एक्यूरेट होते हैं बहुत ज़्यादा खैर गाइज ठीक uh, है मैं सुनूंगा रमज़ान के बाद क्योंकि मैं अभी म्यूज़िक नहीं सुन रहा ये वाला गाना हम जरूर सुनेंगे दिल पे मत ले उसके अलावा जो सीन है ना कि मैं यही सोच रहा हूँ कि हम इस तरह कोई भी रिव्यू अगर कोई भी गाना रिलीज़ होता है ना अगर रमजान में तो क्योंकि रैप बोर्ड मोस्टली उनके रिव्यूज़ बनाता है जो भी अच्छा मतलब हिप हॉप से रिलेटेड गाना रिलीज़ होता है तो उस पर रिव्यू हम जरूर देंगे क्योंकि मैं देखूंगा कि भाई गाना कैसा है सो हम रिव्यू तो दे ही सकते हैं और आप लोग मुझे कमेंट में बता दें कि इसके अलावा और कौन सी ऐसा कौन सा ऐसा कंटेंट है जिस पर मैं रिएक्शन करूं उस पर भी मैं करूंगा कमेंट में आप लोगों ने मुझे बताना है बाकी यार थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए सिर्फ तीस दिन का वेट है उसके बाद दोबारा से खतरनाक काम शुरू करेंगे मेरा अपना म्यूजिक खतरनाक मैंने रिलीज करना है सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ा आ रहा है टेन के सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट कर दें अभी बहुत बड़ी हमने अपनी कम्युनिटी करनी है असली बिहार कम्युनिटी खतरनाक वाली बिल्ड करनी है अभी हमने सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बाकी गाइस एमसी सी का चैनल वापस आ जाएगा टेंशन नहीं लेनी भाई इतना बड़ा आर्टिस्ट है सब कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा भाई इस चीज़ का बाकी थैंक यू सो मच गाइस बिग लव मिलते हैं अगले किसी रिएक्शन में लव यू बाय